हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना के जो 2021-22 की सूची जारी हुई है, क्या उस सूची के अंदर आपका नाम सम्मिलित है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं 2021-22 की जो प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना की लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट के उन नामों को कैसे निकाला जा सकता है या वो 2021-22 की लिस्ट के नाम कैसे देखे जा सकते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से उस लिस्ट को देख सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हो दोस्तों, तो इस वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको इस तरीके के टेक और टेक्निक के वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लंबा लिए बिना मैं आपको बता देता हूँ 2021-22 की जो लिस्ट जारी की गई है वो आप कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से उसके नाम आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि इस फैमिली के अंदर, टेक्निकल जोहन फैमिली के अंदर, एक और नया फैमिली के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो वीडियो को थोड़ा और सरल बनाने के लिए मैंने अब एक LG का पूरा सेटअप भी ले लिया है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग इसके द्वारा की जाएगी। किस तरीके से आप PM आवास की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाके जैसे ही आप टैप करेंगे, उसके बाद में गूगल पे जाने के बाद में आपको RH रिपोर्टिंग लिखना। जैसे ही आप RH रिपोर्टिंग लिखेंगे, उसके बाद में आपको ये साइट ओपन होगी जो आप लिखी हो ना, F6FTO, इस साइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर एक फर्स्ट लेफ्ट में अबाउट अस का ऑप्शन आएगा, उस पर आप अबाउट अस पे जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको आवासॉफ्ट करके एक ऑप्शन आएगा। तो आपको इस आवासॉफ्ट ऑप्शन पे जाना है और आवासॉफ्ट ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको रिपोर्ट्स करके सेकंड ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप रिपोर्ट्स करके सेकंड ऑप्शन पे जाओगे, तो उसके बाद में आपको ये एक साइट को ओपन, एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का ये टैब आएगा। इसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ABCDEF और G, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई, जिसके अंदर आपको सोशल प्रोसेस की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है या अलग अलग तरह की। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है जेंडर वाइज हाउसेज सैंक्शन, अगर आप जेंडर वाइज निकालना चाहते हैं या कैटेगरी वाइज हाउसेज सैंक्शन जो कम्प्लीट हो चुके हैं पहले, उसका नाम निकालना चाहते हैं तो आप ये हो जाएगा। और अगर आप उसका क्या डाटा एंट्री है, समरी निकालना चाहते हैं, वो भी हो जाएगी। लेकिन अपन को क्या करना है कि इसके अंदर देखना है कि अपन का नाम अलॉट हुआ है या नहीं है, कोई भी हो। तो सबसे पहले आपको H ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन मिलेगा। आपको ये बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना, उसके बाद में लेफ्ट साइड में आपको पूरे इंडिया के कोई भी होंगे राज्य के नाम आ जाएंगे। जैसे मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर राजस्थान, तो राजस्थान फाइंड करता हूँ तो देखोगे आप कि ये खुल गया। राजस्थान खुलने के बाद में आपको इसमें सीधा ही आपको जाना है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं जैसे जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपका जोधपुर, जयपुर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं जोधपुर को एक बार सेलेक्ट करके आपको उदाहरण दे देता हूँ। उसके बाद में आपको इसके नीचे मांगेगा आपकी तहसील कौन सी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाकर के बिलाड़ा सेलेक्ट करना है। जैसे बिलाड़ा किया, आप अपनी कोई भी तहसील को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो देखो यहाँ पर नाम आ रहा है अलग अलग गांव के नाम, जैसे बींजवाड़िया, कापड़ा, खेजड़ला, जेतीवास, जाक, मतलब हर तरह के अलग अलग गाँव जो भी होंगे ना, तो उस तरीके से आप अपने उसमें जाओगे तो उस गाँव के नाम आ जाएंगे। तो मैं जैसे कि कोई भी एक गाँव के नाम का पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे जसवंतपुरा पे क्लिक कर दिया, तो जसवंतपुरा क्लिक किया, उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन और आएगा, उसके अंदर अब आपको कौन से ईयर का फाइंड करना है, जैसे कि आपको 19, 20, 18 जो भी सैंक्शन हो चुके हैं वो देखना, तो वो देख सकते हो। और 2021-22 का देखना हो तो 2021-22 पे क्लिक करना, उसके नीचे एक आपके बार आएगी जिसके अंदर आपको एक कैलकुलेशन देनी है कैप्चा के लिए। तो अब 34 और 90 प्लस का हो तो आपको काउंट प्लस करना है, माइनस का ऑप्शन हो तो आपको माइनस निकालना है। तो आप 90 प्लस 34, तो आप देख सकते हो इसके अंदर 124 मैंने लिखा और इसके बाद में मैंने सबमिट किया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो इसमें एक और ऑप्शन आया है जो कि अपन ने सेलेक्ट किया नहीं था, तो स्कीम सेलेक्ट नहीं की थी,
तो आपको क्या करना है कि इसमें स्कीम को सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर अपन प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्कीम को सेलेक्ट कर दी तो अब एक बार फिर से वो कैप्चा मांग रहा है। तो इसके अंदर देखो अब माइनस का ऑप्शन है, तो आपको 60 में से 50 माइनस कर देते हैं तो 10 आता है आंसर, तो 10 क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि जिस जगह की अपन ने बेनिफिशियरी चेक किया था उसके अंदर आप देखोगे कि ये किसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, तो ये बेनिफिशियरी का फादर्स नेम क्या है, उसके बाद में स्कीम का फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, उसके बाद में उनकी प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, बीपीएल में नाम था या नहीं, या नरेगा जॉब कार्ड नंबर क्या है, साइट अलॉट गवर्नमेंट के द्वारा हुई है या कैसे हुआ है, उनके हाउस का स्टेटस अभी क्या है, या उन्होंने जो सेंक्शन नंबर अभी क्या है, उसके बाद में ये सारी जानकारी आ जाएंगी, या उनको कितना सेंक्शन अमाउंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे 1,20,000 उनका प्रधानमंत्री आवास योजना से अलॉट हुआ है, उसके बाद में उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ये है वो 15,000 की आई है, और इसकी जो लास्ट अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं किया गया, तो उनका जो अमाउंट है 15,000 रुपये, उसके बाद में लास्ट ट्रांसफ़र डेट जो थी वो 3 नवंबर थी, और इंस्पेक्शन डेट है वो 15 नवंबर है। तो इस तरीके से आप अपने खुद का मतलब खुद का भी देख सकते हो कि क्या प्रधानमंत्री योजना के आवास के तहत आपका नाम आया है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और इस माध्यम से आप भी अपने आवास के बारे में डायरेक्ट घर बैठे अपने मोबाइल पर जान सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने वीडियो के अंदर कुछ और अच्छा कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।